हाय फ्रेंड्स, देखिए ये हाथ से लिखी हुई नोट्स से, पेन से लिखी हुई नोट्स से, इस नोट्स को हम डिजिटली कन्वर्ट करेंगे और पीडीएफ में, एक्सेल में, वर्ड में, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो उसे हम सेव कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो देर ना करते हुए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर इसी नोट्स को हम डिजिटली कन्वर्ट करने वाले हैं। ये हिंदी लैंग्वेज में है और ये हिंदी ग्रामर का टॉपिक है। ओके, आप किसी भी लैंग्वेज के नोट्स को डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल को ओपन करने के बाद प्ले स्टोर को ओपन कर लें और सर्च में गूगल ट्रांसलेटर टाइप करें और सर्च कर लें। अगर आपके मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है, इनबिल्ट इंस्टॉल होकर है, तो डाउनलोड कर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सर्च करते ही आ गया है, देखिए इस तरह से दिखाई देता है गूगल ट्रांसलेटर का ऐप का लोगो। इसे हम इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल पर क्लिक करें। नीचे देखिए ओके दिखाई दे रहा है ना, ओके पर क्लिक करें, इंस्टॉल हो रहा है, वेट कर लें। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से ही मोटिवेशन मिलता है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, लेंथी ना हो इसलिए। ओके, कंप्लीट हो गया है फाइनली। ओके, ओपन पर क्लिक करें, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, ओपन पर क्लिक करें। देखिए पहली बार ओपन करते ही इस तरह का इंटरफेस आता है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेजेस दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट साइड में इंग्लिश दिखाई दे रहा है, राइट साइड में स्पैनिश है। हमें लेफ्ट साइड के लैंग्वेज को क्लिक करना है इंग्लिश पर। आपका नोट्स जो भी लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, लेफ्ट साइड के लैंग्वेज पर क्लिक कर। इंग्लिश था, उस पर क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आया है। हमें अपना नोट्स जो है हिंदी लैंग्वेज है इसलिए हिंदी को सेलेक्ट कर ले, हमने हिंदी को सेलेक्ट कर लिया है लेफ्ट साइड के लैंग्वेज में, और राइट साइड के लैंग्वेज में स्पैनिश है तो उसे क्लिक कर हमें इंग्लिश को सेलेक्ट करना है। इंग्लिश को सेलेक्ट कर ले, नीचे स्क्रॉल करने पर दिखाई देगा, देखिए ओके हमने इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया है, हिंदी इंग्लिश। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड में कैमरा है, उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही पहली बार आपको परमिशन पूछेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करें। ओके, परमिशंस को एलो कर दें। कुछ इस तरह का इंटरफेस आया है। अब हमें स्कैनिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पर राउंड आएगा स्क्रीन पर, सही एडजस्ट कर उस राउंड पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह का स्कैन होगा, वेट कर लें। देखिए कुछ इस तरह से आया है बॉक्सेस, इन बॉक्सेस को हमें सेलेक्ट करना है, जैसे कि इस तरह से जहाँ तक आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स के, नोट्स के इंफॉर्मेशन, आपको इस तरह से पूरा फिलअप करना है, सेलेक्ट कर लेना है यहाँ तक जहाँ तक जो आप चाहते हैं। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर के और टॉप में ग्रीन में राइट एरो दिखाई देगा। ऊपर देखिए राइट एरो ग्रीन में दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही देखिए आपका नोट्स जो है सक्सेसफुली डिजिटली कन्वर्ट होकर आया है। हमने अपने हाथों से, हैंडराइटिंग से लिखे हुए, पेन से लिखे हुए नोट्स को इस तरह से कन्वर्ट करते ही टाइप किए हुए अक्षरों में आना बहुत अच्छी बात है। इसे हम किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसे सेव करने के लिए देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है ना, कॉपी का सिंबल है राइट साइड में, उस पर क्लिक करते ही कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी आया है जैसे कि हमने सेलेक्ट किया था। देखिए ऊपर क्लिक करते ही कॉपी हो गया है, कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही क्लिपबोर्ड में सारा टेक्स्ट कॉपी हो गया है। इस टेक्स्ट को हम आवाज़ में भी सुन सकते हैं। देखिए यहाँ पर राइट साइड में स्पीकर का सिंबल दिखाई दे रहा है, देखिए उस पर क्लिक करें, अब आवाज आएगी, सुनिए। 6151121 संज्ञा कारक केस सर्वनाम या नाम के जिस रूप से उठा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं।
अपने ही हाथों से लिखे हुए नोट्स को कंप्यूटर की आवाज़ में सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये मुख्य रूप से स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत लाभदायक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गूगल ट्रांसलेटर ऐप का लोगो देखिए, यही है, अच्छी तरह से याद रख लें। ओके, अब हम कॉपी किए हुए टेक्स्ट को जहाँ चाहे वहाँ हम शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं व्हाट्सएप ओपन कर शेयर कर दिखाऊंगा। लॉन्ग प्रेस करें, पेस्ट पर क्लिक करें, देखिए पेस्ट हो गया है। सेंड कर लें, देखिए सक्सेसफुली सेंड भी हो गया। इस तरह से हम जहाँ चाहे वहाँ शेयर भी कर सकते हैं। अब हम कॉपी किए हुए टेक्स्ट को PDF में, एक्सेल में, वर्ड में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं जानेंगे। उसके लिए एक ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर मेरे मोबाइल में सैमसंग नोट्स बोलकर है। आपके मोबाइल में नोट्स रहेगा या किसी तरह का दूसरा नाम रहेगा, उस तरह का ऐप को ओपन कर प्लस सिंबल पर क्लिक करें और इस तरह से वहाँ पर कर्सर आएगा, वहाँ पर आप लॉन्ग प्रेस कर लें। लॉन्ग प्रेस कर पेस्ट पर क्लिक करें, पेस्ट हो गया है। आपके नोट्स का सारा इन्फॉर्मेशन पेस्ट हुआ है। इसे कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड ऊपर के 3 डॉट्स पर क्लिक करें और नीचे देखिए यहाँ पर शेयर सिंबल आया है। देखिए ध्यान से नीचे शेयर सिंबल पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। देखिए जूम कर एक बार देखें। देखिए यहाँ पर PDF है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, इमेज है, टेक्स्ट है। हम PDF को सेलेक्ट करेंगे। PDF को सेलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शंस आए हैं। इनमें से आप जिसे चाहे उसे चूज़ कर सकते हैं। हमें प्रिंट करना है, इसलिए प्रिंट पर क्लिक करें। प्रिंट पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। राइट साइड डाउनलोड PDF का सिंबल रहेगा, उस पर क्लिक करें। प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने डाउनलोड PDF पर क्लिक किया है। देखिए यहाँ पर लोकेशन पूछ रहा है। डॉक्यूमेंट फोल्डर को सेलेक्ट कर लें, उसके अंदर से एक और एक सब फोल्डर को सेलेक्ट कर लें। ओके, हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेव पर क्लिक करें। हमने सेव भी कर लिया है, अपने नोट्स के डॉक्यूमेंट को सक्सेसफुली सेव कर लिया है मोबाइल में। अब हम उसे ओपन कर देखेंगे। इसके लिए पूरी तरह से बाहर आ जाएं, बैक आ जाएं। अब हम अपने डाउनलोड किए हुए फाइल को ओपन करने के लिए माई फाइल्स को ओपन कर ले, इंटरनल स्टोरेज को ओपन कर ले, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें, उसके बाद सब फोल्डर जो भी है वो उस पर क्लिक करते, देखिए यही वो फाइल है, उस पर क्लिक करें। देखिए आपका सेव किया हुआ नोट्स का डॉक्यूमेंट यही है। इस तरह से हम अपने हाथों से, हैंड राइटिंग से, पेन से लिखे हुए नोट्स को डिजिटली कन्वर्ट कर किसी भी फॉर्मेट में सेव कर रख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और आवाज़ भी दे सकते हैं। यूज़फुल वीडियोज़ के लिए टेक्चकवल चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूज़फुल वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक्स पर क्लिक कर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी और यूज़फुल लगी तो टेक्चकवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।